ओके, सो YouTube पर ग्रो तो हर कोई करना चाहता है, फिर चाहे वो 7 सब्सक्राइबर्स वाला बंटी हो या 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला कोई बड़ा YouTube क्रिएटर। बट अगर तुम ग्रो कर भी जाते हो, तुम्हारे मन में एक डर जरूर रहने वाला है, चैनल डेड होने का डर। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ एक डर नहीं है, बल्कि रियलिटी में हर यूट्यूब चैनल एक ना एक दिन डेड हो ही जाता है। बट एक तरीका है जिससे आई कैन बेट तुम्हारा चैनल कभी डेड हो ही नहीं सकता है, एंड अगर ऑलरेडी डेड है तो रिवाइव हो जाएगा। तो उस मेथड के बारे में तो जानेंगे ही, इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें व्यूज लाने की स्पेशल ट्रिक भी बताऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू एक्चुअली ग्रो योर डेड यूट्यूब चैनल इन वन स्टेप ओनली। अब ताकि हमारा चैनल कभी डेड ना हो, हमें जानना काफी जरूरी है कि एक चैनल डेड होता ही क्यों है। इसके बारे में काफी बातें मैं इन 3 वीडियोस में कर चुका हूं, बट चैनल डेड होने के 3 ऐसे कारण है, रीजन है, जो कि मैंने अब तक अपनी किसी भी वीडियो में शायद ही बताए होंगे। रीजन नंबर 1 है ग्रोइंग विद अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्टेंट ओनली, एंड तुम्हें इसके हजारों एग्जाम्पल्स तुम्हारे आसपास ही मिलने वाले। होता क्या है, लेट्स से मैंने एक न्यूज चैनल देखा एंड मुझे काफी पसंद आया। अब मुझे कहीं से किसी ने ये भी बता दिया कि ये लोग तो यूट्यूब से पैसे भी कमा लेते हैं, तो मैंने सोचा यार ये काम इतना मुश्किल तो नहीं है, एंड आई स्टार्टेड YouTube। अब नहीं, मैं सरकेस्टिकली नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं सही में बढ़िया न्यूज वीडियोस बनाने भी लग जाता हूं, मेरा चैनल ग्रो भी हो जाता है, एंड YouTube से मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट भी आ जाती है। सब मस्त हो रहा होता है, एंड आई मीन मेरे से ज्यादा खुश शायद ही कोई हो। नाउ स्टॉप हियर फॉर अ सेकंड। ऐसे सेम चैनल्स तुम्हें पूरे YouTube पर मिलने वाले हैं। कुछ लोग न्यूज बताते हैं, कुछ YouTube टिप्स देते हैं, कुछ GK बढ़ाते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, तो कुछ किसी और कैटेगरी में है। माय पॉइंट इज, एक चैनल होता है, ग्रोथ तगड़ी होती है, एक टाइप का कंटेंट होता है और पैसे भी बढ़िया मिल रहे होते हैं, व्यूज मिलियंस में होते हैं। अब तुमसे मेरा सवाल है, व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग, यहां दिक्कत कहां आ सकती है, पॉज एंड थिंक। तो दिक्कत वाली बात यह है कि अगर कल को ऐसा कोई चैनल किसी भी कारण से उड़ जाता है या मे बी उस पर ग्रोथ रुक जाती है, उस चैनल का ओनर क्या करेगा? करेगा क्या, नया चैनल बना लेगा ना एल्ग्रो। एंड यही तो दिक्कत है मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसे चैनल सिर्फ एक सर्टेन टाइप के कंटेंट के साथ ग्रो करते हैं, लाइक कोई ट्रेंड आया उस पर वीडियोस बनाए, बस राइट टाइमिंग की वजह से ग्रो हो गए। इन लोगों को ऑडियंस के बारे में उतना सीखने का समय मिल ही नहीं पाता है। तो इधर 2 प्रॉब्लम समझो, राइट टाइमिंग की वजह से जल्दी ग्रो हुए तो यूट्यूब और ऑडियंस के बारे में अच्छे से सीख ही नहीं पाए, एंड क्योंकि राइट टाइमिंग और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्टेंट की वजह से ग्रो हुए, अब वो केवल उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्टेंट को ही अच्छे से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चैनल है जो कि फेसलेस न्यूज वीडियोस डालता है, एंड बस राइट टाइमिंग और एक ट्रेंड की वजह से ग्रो हो गया। ऐसे में उसके लिए काफी मुश्किल होगा कि वो किसी और कैटेगरी में ग्रो कर पाए, लाइक उसे शुरू से ही सीखना पड़ेगा। वहीं ऑनेस्टली तुम एल्ग्रो क्रिटिक दोनों को ही उड़ा दो, मैं तब भी सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर ही एक नया चैनल ग्रो कर लूंगा। हाँ, एंटरटेनमेंट कैटेगरी का तो नहीं कह सकता, बट आई एम डैम श्योर कि मैं किसी भी कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन या इंफोटेनमेंट चैनल तो बड़े आराम से ग्रो कर सकता हूँ। चल बातें मत बना एल्ग्रो, ये बता अगर हमारा चैनल राइट टाइमिंग की वजह से ग्रो हो जाता है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को थोड़ी छोड़ देंगे? तो इसका सेकंड सॉल्यूशन तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है गोइंग बियॉन्ड यूट्यूब चैनल्स। अब इसका क्या मतलब है, तो वैसे तो आई रियली बिलीव इन दिस पॉइंट, बट तब भी इस पर मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, बिकॉज मे बी यूट्यूब पर और एक्सपीरियंस के बाद मेरा ओपिनियन बदल जाए, लाइक मैं कह नहीं सकता अभी। मेरा पॉइंट है कि यूट्यूब चैनल्स को उतना भाव मत दो। लाइक व्हाट पीपल आर प्राउड ऑफ इज कि उनके चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, किसी के चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, एंड सो ऑन। बट लाइक ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा आउटपुट है जो कि तुम कई सालों में दे पाए हो। व्हाट आई रियली वांट यू टू फोकस ऑन इज यू। यप, चैनल्स आएंगे चैनल्स जाएंगे, बट अगर तुम अपना ब्रांड बना लेते हो, यू कम फर्स्ट एंड नॉट चैनल उड़ गया, कोई नहीं हम फिर से बना लेंगे, ग्रोथ कम लग रही है, कोई नहीं किसी और कैटेगरी में एक नया चैनल बना लेंगे। सो ये बात तो क्लियर है कि पर्सनल ब्रांड और एक फेस वैल्यू बनाने से लाइक बहुत पावर मिल जाती है तुम्हें। सो सवाल आता है कि हम अपनी पर्सनालिटी से एक ब्रांड बना कैसे सकते हैं, मोर ओवर हम पता कैसे करेंगे कि हमारा ब्रांड बना भी है या नहीं, मेजर कैसे करेंगे उसको? तो हियर्स व्हाट आई थिंक, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर एक चैनल पर फेस होगा तो उसकी फेस वैल्यू बेस्ट होगी, बट ओवर द इयर्स मुझे एक बात समझ आई है कि तुम्हारा 60-80% ब्रांड डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंटेंट पर। लोगों को उसमें इंटरेस्ट होगा तो एप्रिसिएशन भी मिलेगी, लोग तुमसे कनेक्ट भी मार पाएंगे, एंड जो तुम्हारा ब्रांड होगा वो अलग ही लेवल पर होगा। फॉर एग्जांपल, आज जो ब्रांड कैरीमिनाटी का है, क्या वो इस वजह से है कि वो इंसान कैसा है? मुझे तो नहीं लगता। उसका ब्रांड इज बिकॉज ऑफ हिज कंटेंट। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो लोग जानते भी नहीं है। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, तुम्हें जैसी भी ऑडियंस चाहिए ना, बस वैसा कंटेंट बनाना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस चाहिए
चाहिए तो इंग्लिश चैनल बनाओ एंड जिसमें कि तुम उनके इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स पर ही बात करो। अगर तुम्हें अर्बन हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस चाहिए तो हिंदी में कंटेंट बनाना शुरू कर दो। बट अगर तुम एक फालतू सा प्रैंक चैनल बनाते हो तो ऑडियंस भी एग्जैक्टली वैसी आएगी ना। प्लस ये ऐसे चैनल्स की ज्यादातर ऑडियंस उतनी इंटरनेट लिटरेट भी नहीं होती है, ऐसे में तुम्हारा एंगेजमेंट भी कोई खास होगा ही नहीं। ऑल्दो इधर व्यूज कुछ ज्यादा ही आते हैं, तो सब चीजों के फायदे नुकसान है। व्हाट यू नीड टू डिसाइड अपॉन इज कि तुम्हें किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। अब जैसी भी ऑडियंस चाहिए बस वैसा कंटेंट बनाने लग जाओ। बट अब बात आती है कि पता कैसे करें हमारा ब्रांड बन भी रहा है या नहीं। तो वैसे तो इसका कोई एक सिंगल तरीका नहीं है एंड लाइक व्हाट यू एक्चुअली नीड इज जनरल अवेयरनेस। बट इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि तुम्हें जिसके भी ब्रांड के बारे में जानना हो उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग देख लो। कह क्या रहा है एलग्रो, हम उनके यूट्यूब ब्रांड के लिए इंस्टाग्राम फॉलोइंग क्यों देखें। द रीजन इज कि इससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सामने वाले इंसान का इन्फ्लुएंस कितना है। लोग बस उसकी वीडियोस देखकर ही निकल लेते हैं, उन्हें उस इंसान से भी मतलब है। बाकी तुम देख सकते हो कि उसके जेन्युइन कमेंट्स कितने आ रहे हैं, कितने कमेंट्स उसके बारे में हैं, कितने कमेंट्स ऐसे स्पैम है। जैसे कई सारे यूट्यूबर्स के कमेंट तो 20-30 हज़ार होते हैं बट जेन्युइन नहीं होते ना। एंड ऐसे ही उसके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस कितने बने, उसे स्पॉन्सर्स कैसे मिलते हैं, तगड़े वाले रेप्यूटेड कंपनीज के स्पॉन्सर्स या बस वही लूडो और रमी वाले स्पॉन्सर्स। तो जो भी हो तुम्हें एग्जैक्टली ऐसे ही अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है ताकि चैनल आए जाए तुम बने रहो। लेकिन यार ब्रांड तो टेक्निकल गुरुजी का भी है एंड काफी तगड़ा ब्रांड है, पर उनके व्यूज तो लगातार नीचे जा रहे हैं ना। एंड यहाँ आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, मेक योर ओन चैनल टैग। कुछ भी कह रहा है एलग्रो, नहीं कुछ भी नहीं बताता हूँ, अभी सुनो। तो एक तो हो गया कि तुम सिर्फ एक कंटेंट की वजह से करोगे, अब उस कंटेंट की डिमांड कम हो जाती है, किसी और रीजन से तुम्हारे व्यूज नीचे जाने लग जाते हैं एंड चैनल डेड हो जाता है। दूसरा हुआ कि तुम एक पर्सनल ब्रांड नहीं बना पाते हो एंड इस वजह से तुम्हारा चैनल एक दिन डेड हो ही जाता है। अब तीसरा रीजन है कि हर कंटेंट की एक वैलिडिटी होती है, शुरू में उसकी ग्रोथ ऊपर जाती है, मे बी आराम से जाए या जल्दी जाए बट जाती जरूर है। एंड फिर जैसी ग्रोथ पीक पर पहुंचती है इट इवेंचुअली स्टॉप्स एंड फिर वो धीरे या तेज सही पर नीचे जरूर आती है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल जिन्हें कुछ साल पहले YouTube पर लिटरली अपनी ग्रोथ से आग लगा रखी थी, फिर ग्रोथ ने पीक किया एंड अब डेयर आई से कि उनका चैनल डेड है, बिकॉज 20 मिलियन व्यूज पर मंथ इज नो जोक। बट हाँ उनके पर वीडियो व्यूज काफी कम हो चुके हैं एंड ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है। सो द क्वेश्चन इज, ये तो सबके साथ होना है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये समझो कि एक कॉन्टेंट टाइप की वैलिडिटी होती है, वो ग्रो होगा फिर डाउन हो जाएगा। बट अगर तुम चाहो तो एक चैनल को कितने भी टाइम तक रेलिवेंट रख सकते हो एंड इसका सिंपल सा तरीका है कि कॉन्टेंट ऊपर जाएगा साथ साथ में चैनल भी ऊपर जाएगा। बट इससे पहले कि कंटेंट नीचे जाना शुरू कर दे, कंटेंट टाइप 2 पर वर्क करना शुरू कर दो, ताकि बेशक कंटेंट 1 नीचे जाए बट कंटेंट 2 की वजह से चैनल ऊपर ही रहे। फिर 2 नीचे जाए तो 3 शुरू कर देना। बेसिकली यू नीड टू इवॉल्व एंड इवॉल्व ड्रास्टिकली इन मोस्ट केसेस। वैसे काफी नुआंस्ड टॉपिक है ये, इस पर फ्यूचर में काफी और बातें करेंगे। बट अभी फाइनली जानते हो स्पेशल ट्रिक के बारे में जिससे तुम्हारे चैनल डेड होने की प्रॉब्लम जैसे गायब ही हो जाएगी एंड तुम्हें बस व्यूज ही व्यूज मिलने वाले। एंड दैट इज स्टार्ट चैनल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। यप, आई नो तुम सोच रहे होगे एल्ग्रो इधर तो एक चैनल नहीं संभालता, डिफरेंट कैटेगरीज कैसे संभालेंगे। एंड तुम गलत नहीं कह रहे हो, बात सही है तुम्हारी। तो ऐसे में तुम्हें स्ट्रेटेजी के फायदे और नुकसान देखने होंगे, जहां ज्यादा फायदा होगा उसको अप्लाई करना। फायदा तो देखो सिंपल सा है कि तुम्हें कई कैटेगरीज की नॉलेज होगी तो यू विल बिकम मोर सिक्योर एंड अवेयर अबाउट यूट्यूब एंड दी ऑडियंस ऑन इट। वहीं हां, ज्यादा चैनल्स मतलब ज्यादा वर्कलोड, जिससे शायद ऐसा हो सकता है कि तुम किसी एक चैनल पर भी फोकस ना कर पाओ एंड वही ग्रो ना हो पाए, तो यहां तुम्हें अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी हां, जैसे ही तुम इन सभी चीजों पर वर्क करना शुरू कर दोगे यू विल सी कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा होगा। बट अगर तुम्हें तो बस इंस्टेंट व्यूज ही चाहिए, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो। बाकी अगेन कमेंट करना आई डिड इट, ताकि मुझे बता दो कि वीडियो किस किसने पूरी देखी है। बाय।